हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम परवेज़ है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्लॉग। तो दोस्तों ये गाज़ियाबाद मेट्रो स्टेशन है और अभी यहाँ पर मेट्रो आई हुई खड़ी है और ये प्लेटफॉर्म एरिया है और आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है एरिया ये। और बहुत जल्दी ये मेट्रो चालू होने वाली है क्योंकि 10 तारीख को इसका इनाग्रेशन बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि काम अभी बाकी रह गया। और अभी फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो वहाँ पर मोदी जी गए थे, तो इस कारण जो दिल्ली से और गोवा के लिए वंदे भारत चलने वाली थी तो वो भी अभी डिले हो गई है। तो यहाँ का भी काम जो है मतलब अभी ऐसी है। तो MD सर आए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये MD सर की मीटिंग चल रही है और MD सर इसका इसका जायज़ा ले रहे हैं और बहुत ही जल्द काम कंप्लीट होने वाला है और बहुत ही जल्द मेरठ वासियों के लिए फास्ट सर्विस मिलने वाली है। खैर अभी मेरठ तक तो 2025 तक चालू होगी, लेकिन फ़िलहाल 2 ही तक चालू हो रही है। और यह भी एक्सीलेटर जीना भी चालू हो गया है, एक्सीलेटर जीने सारे चालू हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ सीलिंग का भी काम रह गया है और अभी इधर उधर का भी थोड़ा काम रह गया है, तो इसलिए अभी जो मतलब थोड़ा डिले हो सकता है इसका इनाग्रेशन, क्योंकि अभी जो दिल्ली से गोवा चलने वाली थी वो उसका भी इनाग्रेशन होना था, लेकिन इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उसकी वजह से मोदी जी ने वहाँ नहीं किया और वो उड़ीसा जो वहाँ पर ट्रेन पलटी थी तो वहाँ पहुँच गए थे, इस वजह से वो मेट्रो भी नहीं चली है। और अब आगे सेकंड फ्लोर पर चल रहे हैं और इसके बाद में प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, मेट्रो भी देखेंगे अंदर कैसी होती है मेट्रो ये वाली, तो देखते हैं चलते हैं। और ये सेकंड फ्लोर है, अभी यहाँ का जो काम है अभी कुछ रह गया है, जैसे ए प्लस पर शीशे लगने हैं। और ये इधर मशीन भी आ गई है, टोकन निकालने वाली मशीन जो होती है, तो सामने मशीन खड़ी है। अभी ये चालू नहीं हुई है, वैसे जल्दी चालू हो जाएगी जब मेट्रो चलेगी तो। और इधर इनर आउटर भी लग गए हैं, कॉन्कोर्स एरिया है सामने। ये मशीनें हैं, टोकन निकालने वाली मशीन है। तो गाइस काफ़ी तरक्की हो रही है, जैसे कि रैपिड एक्स ये चालू हो रही है, ये लंबे लंबे रूट के लिए भी चालू होगी, जैसे राजस्थान के लिए होगी और इधर हरियाणा पानीपत के लिए भी होगी, राजस्थान में अलवर के लिए होगी दिल्ली से ही। और लंबे रूट के लिए जो चल रही है वो वंदे भारत चल रही है, तो काफ़ी फास्ट सिस्टम चल रहा है। मोदी जी ने सिस्टम फाड़ दिए। और ये रैपिड एक्स का जो काम चल रहा है, मतलब NRCTC जो होती है राजधानी, तो ये उसी का ही मतलब उसी के अंडर में चल रहा है काम ये। पहले जो है मतलब जो UP नगर निकाय चुनाव का जो था उस टाइम पर चालू होने की संभावना थी, लेकिन वो भी नहीं हुई उस टाइम पर भी। और फिर उसके बाद में 10 तारीख को बोला था, लेकिन 10 तारीख को भी शायद नहीं हो सकती, उससे भी आगे डेट बढ़ सकती है 15-20, मतलब अभी कोई कंफर्म नहीं है। वैसे तो काम अभी काफ़ी रह गया है, जैसे अभी इसकी एक ही एंट्री चालू हुई है, तो उस हिसाब से मतलब चालू होगी। खैर 2 ही तक तो जल्दी ही चालू होने वाली है मेट्रो, क्योंकि 2 ही में जो डिपो बना है इसलिए 2 ही तक चालू होगा और वो अपने डिपो तक पहुंच जाया करेगी। और अभी वहाँ से मतलब जो गुजरात से ये ट्रेनें आ रही हैं और उनका ट्रायल चल रहा है, रन ट्रायल भी चल रहा है उसका, वो मतलब जो रनिंग ट्रायल में भी 120 की स्पीड पर चल रही है मेट्रो, और वैसे तो 160-180 की स्पीड पर चलेगी। और जो इसकी जो स्टेशनों पर रुकती हुई पहुँचेगी तो मतलब लगभग इसकी अनुमान गति जो होगी वो 100 की स्पीड पर होगी। अभी आगे और लेके चलेंगे आपको, पूरा स्टेशन दिखाता हूँ कैसा है। ये वेफल सीलिंग है, ये सीलिंग्स में अंदर का ऊपर का तो सब दिखता है, वैसे सीलिंग तो खैर मतलब सब चीज़ छुपाने के लिए होती है, लेकिन इसमें सब ओपन ओपन रहता है। ये कॉन्कोर्स एरिया है, यहाँ भी काम कंप्लीट है, बस थोड़ा बहुत काम रह गया साफ सफाई का ये सब।
आगे दरगाह भी दिखा दो व्यू। और ये बाहर का एरिया है, सामने दरगाह है। काफ़ी भीड़ है एमडी साहब के साथ में, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी मतलब सभी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर सब, पीएम वीएम सब। और मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ प्लेटफॉर्म पर। ये लिफ्ट है, काफी बड़ा स्टेशन है ये। एक्सीलेटर जीने से चलते हैं। यहाँ से सीलिंग और रखी है। और सामने मेट्रो आ रही है, देखते हैं इसके अंदर से मेट्रो के। ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है गाइस, ये 6 डिब्बे हैं इसमें, इस स्टेशन में, इस मेट्रो में 6 कोच हैं, काफ़ी बड़े बड़े कोच हैं ये। और आगे से तो प्लेन की तरह दिखती है। स्टेशन क्लीन हो गया है, वीडियो में बना रही हूँ, कट कट कम कर देंगे, कोई वो थोड़ी है। और ये अंदर से खुल गया, मैं थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ। खैर अंदर बढ़ने की अनुमति नहीं है, इस तरह की सीटें होंगी इसमें, ऐसा दिखने वाला है अंदर से। चलें तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो दूसरी मेट्रो उसमें वैसे सीटें हैं, लेकिन ये फोम की सीटें हैं। गाइस एक बार और देखते हैं अंदर का नज़ारा, बहुत ही तकड़ा सिस्टम है। अब चलते हैं नीचे की ओर। गाइस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं और मीटिंग में चलते हैं अब। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।